राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडवा का दृश्य दिखा रहा हूँ। दिनांक हो गई आज 28 अगस्त। डीसीएमओ राकेश जैन के निर्देश के बाद भी ये दैनिक उपस्थिति और भ्रमण पट खाली दिख रहा है। आप ये देख पा रहे हैं इसमें किसी प्रकार की एंट्री नहीं है। यहाँ कुछ रोगी आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि वो किस लिए आए हुए हैं और क्यों आए हुए हैं। आप ये देख रहे हैं अस्पताल की घड़ी में भी 8:35 हो चुके हैं। सर आपका शुभ नाम? तो आप यहाँ पर आज किस लिए आए हॉस्पिटल में? लोकेश जी को दिखाने के लिए। लोकेश जी को, तो लोकेश जी को दिखाए नहीं अभी आपने? मेरे को हो गया था, ही किया, 50 मिनट हो गए। हाँ, अभी तक कोई आए नहीं। कौन से डॉक्टर नहीं आए? आए नहीं है। तो फिर अब क्या करोगे आप? क्या करूँगा, वेट करूँगा थोड़ा। ये हालात हैं इस सांडवा अस्पताल के कि इंचार्ज महोदय भी इस अस्पताल में आए हुए नहीं हैं। और हम जब यहाँ पहुँचे यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो 8 बजे सिर्फ 2 डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद 8:35 हो गई है। जनता के पैसे से तनख्वाह लेकर हमारे लोक सेवक अर्थात नौकर काम नहीं कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडम्बना है। यहाँ का आपको दृश्य दिखाया जा रहा है संपूर्ण व्यवस्था का कि यहाँ पर क्या हालात है। यहाँ सिर्फ जनता को जागना जरूरी है, जनता मालिक है और लोक सेवक हमारे नौकर हैं और हमारी तनख्वाह से ये काम करते हैं और इनको नियमों से चलना ही होगा। जय हिंद। ग्राउंड रिपोर्ट, जुगल प्रजापति, फैक्ट तंत्र, सांडवा चूरू, राजस्थान।